हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये हमारी टैबलू की पेन ड्राइव की सीरीज है, जिसमें हम बात कर रहे हैं टैबलू ट्यूटोरियल पे कंडीशंस की, लॉजिकल कंडीशंस की। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एल्स इफ के बारे में पढ़ाया था। अब एल्स इफ के जैसा हमारे पास केस होता है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ केस की, कि केस का कैसे इस्तेमाल हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केस के बारे में जानना। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देता हूं, और ये हमने टैबलो हमारा एमआर डेटा, यहां पे टोटल है। तो कैलकुलेशन फील्ड में हम लास्ट क्लास में आपके साथ इफ का डिस्कस किया था, कि इफ कि अगर टोटल इज लेस देन इक्वल टू 200, एक लास्ट क्लास में बात की थी हमने 200, देन अब सिंगल कोट में सी, फिर हमने बोला था एल्स इफ वापस टोटल लेस देन इक्वल टू 300 देन बी, वापस एल्स इफ टोटल लेस देन इक्वल टू 400 देन ए, और फिर यहां पे एल्स इफ टोटल इज ग्रेटर देन 400 देन यहां पे ए प्लस, और हमने यहां पे एल्स भी दिया था कि इसके अलावा। तो यहां पे हमने एल्स, और हमने बोला था कि इसके अलावा कुछ आया तो सी लाना चाहिए, और फिर यहां पे एंड हमने दे दिया। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, वैलिड है, और यहां पे हम ग्रेड जीआरडी कर देते हैं एंड अप्लाई। अब मुझे इसमें क्या करना है कि हमारा कुछ नंबर्स जो है वो यहां पर है। अब मान लीजिए मुझे ये करना है कि अगर ए आता है, ए आता है तो हमें इसमें 1 देना है, बी आता है तो 2 देना है, सी आता है 3 देना है, एंड डी आता है तो 4 देना है। इस तरह से मुझे नंबरिंग देना है इसमें। तो इसमें वापस जो हम इफ लगाएंगे उसके लिए हम यहाँ पे केस भी लगा सकते हैं, SQR कर देते हैं। हाँ, तो यहां हम देते हैं यहां पे कंडीशंस केस का, किसके साथ, तो GRT के साथ। तो यहां पे हम देते हैं when, जी हाँ, देखिए क्या लगाने का तरीका क्या है। when हमने बोला कि अगर a है then 1, फिर या वापस देना है हमें when b then 2, वापस when c then 3, और यहां पे else 0, और फिर यहां पे हमें and देना है। कैलकुलेशन वैलिड आ गया यहां पे। तो ये हमारा केस का ये होता है, एंड अप्लाई करें देन ओके। यहां पे देखिए नंबरिंग सिस्टम आपकी आ गई। तो केस को अगर समझे तो जो आर्टिकल मैंने आपको पहली क्लास में बताया था वो केस ही है। तो केस क्या होता है कि आपके पास कई सारे च्वाइसेस होते हैं, और च्वाइसेस के ऊपर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे केस एक्सप्रेशन दे दिया किस पे लगना है, उसके बाद वैल्यू कब हो तो क्या है, कब हो तो क्या है। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि केस रीजन जब वेस्ट हो तो 1 आए, व्हेन इज देन डू एल्स में 3 आए, या फिर यहां पे
कि यहाँ पे डेट डाला हुआ है कि वेन संडे तो जीरो, वेन मंडे तो वन, वेन ट्यूजडे तो टू, ट्यूजडे तो दो, इस तरह से यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो केस का यूज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियोज में हम बात करेंगे IIF के बारे में। जी हाँ, अगली वीडियोज हमारी है IIF, उसके बाद छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं जो कि हम एक और वीडियो में इसको कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में मेरा मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो आप मेरा मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, मैं उसकी डाउनलोडिंग लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर में तुरंत अभी नहीं आया क्योंकि कल ये लॉन्च हुआ है, तो कुछ लोगों भी डाउनलोड किए, 100+ के आसपास डाउनलोड हुआ है अभी, तो फटाफट आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं और ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको एक्सेल के बहुत सारे वीडियोस, अपडेट, डेली बेसिस में नोटिफिकेशंस, और आप चाहो तो वहां पे मेरी क्लासेस को, वीडियो क्लासेस को परचेज भी कर सकते हो। थैंक यू।